जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर के ऊपर मैंने पहले काफी वीडियो बनाई है, बट 2024 में जियो एयर फाइबर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है, बट उसी ओर हमारे पास जियो फाइबर भी है। तो जियो फाइबर या फिर जियो एयर फाइबर, इन दोनों में से कौन सा बढ़िया है, इनके प्लान, इंस्टॉलेशन चार्जेस और या फिर इनके बेनिफिट और प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, आपको इन दोनों में से कौन सा लगवाना चाहिए, किस में आपको बेनिफिट होगा। सबसे पहले जानते हैं इन दोनों के इंस्टॉलेशन चार्जेस के बारे में। अगर हम सबसे पहले जियो फाइबर की बात करें तो इसके अंदर आपको 1000 रुपए इंस्टॉलेशन के भरने पड़ेंगे, बट ये आपके 1000 रुपए बच सकते हैं अगर आप 6 मंथ के या फिर 12 मंथ के प्लान के साथ जाते हो। इसमें 3 मंथ का प्लान भी आता है, अदरवाइज आपको ये रुपए भरने पड़ेंगे। अगर आपको जियो का सेटअप बॉक्स अलग से चाहिए तो उसके रुपए आपको अलग से भरने पड़ेंगे, जिसमें से कुछ रिफंडेबल होते हैं बट वो कई बार चेंज भी हो जाते हैं। जियो एयर फाइबर के इंस्टॉलेशन की बात करें तो 1000 रुपए यहाँ पर भी आपको अलग से भरने पड़ते हैं, बट अगर आप इसके एनुअल प्लान के साथ जाओगे तो ये 1000 रुपए आपके माफ हो जाएंगे। ओवरऑल इन दोनों के अंदर ही भरने पड़ेंगे, बट बंडल पैक के अंदर आपको नहीं भरने पड़ेंगे। सेकंड चार्जेस, अगर मैं इसके प्लान या फिर बाकी सब चार्जेस की बात करूं तो ये आपको चार्ज इन दोनों के अंदर ही भरने पड़ेंगे। सबसे पहले 18% का GST आपको भरना पड़ेगा। जो प्लान आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर दिख रहे हैं उनके अंदर अगर आप एडिशनल 18% GST जोड़ोगे तो इनका फाइनल प्राइस ही आपके सामने आने वाला है। अगर आप इनके बेस प्लान के साथ जाओगे दोनों के अंदर ही तो आपको इंस्टॉलेशन के चार्जेस भरने पड़ेंगे, बट अगर आप इनका पूरे 12 मंथ का या फिर जियो फाइबर के अंदर 6 मंथ का या फिर 12 मंथ का कराते हो तो आपको नहीं भरने पड़ेंगे इंस्टॉलेशन के चार्जेस। जियो फाइबर के पोस्टपेड में आपको कुछ और चार्जेस भरने पड़ते हैं अगर आप इसका रिचार्ज नहीं कराते हो कुछ समय तक। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है प्रीपेड और पोस्टपेड के बारे में, आप जाकर उसको देख सकते हो जिसमें मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है का क्या डिफरेंस है। अभी जानते हैं इनके प्लान्स के बारे में जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसमें आपको एडिशनल बेनिफिट भी मिलते हैं जैसे कि OTT। सबसे पहले जानेंगे हम जियो फाइबर के प्लान्स के बारे में। जियो फाइबर का पहला प्लान आपको 399 का मिलेगा। इसमें आपको 30 MBPS का डेटा मिलेगा 1 मंथ के लिए, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। इसमें आपको लगभग 3300 GB का ही डेटा मिलने वाला है जो कि काफी ज्यादा ठीक हो जाता है, बट कोई OTT नहीं आते हैं। नेक्स्ट प्लान आपको 699 का मिलेगा जिसमें 100 MBPS आएगा, बाकी बेनिफिट सेम होने वाले हैं। नेक्स्ट प्लान आपको 999 का मिलेगा जिसमें 150 MBPS आने वाला है। इसकी खास बात है 16 OTT भी आएंगे 1 मंथ के लिए होने वाला है, सेम डेटा और सेम कॉलिंग इसमें भी मिलेगी। इसमें और भी काफी सारे प्लान है जो कि यहाँ पर आप दे सकते हो। इसका लास्ट प्लान आपको 4000 का मिलेगा। इसमें आपको 1 GBPS का नेट मिलेगा और 15 OTT का सपोर्ट मिलता है, बाकी 1 मंथ के लिए होने वाला है। तो फर्स्ट प्लान आपको 599 का मिलेगा। इसमें आपको 30 MBPS का डेटा मिलने वाला है और ये लगभग 1000 GB ही होने वाला है, तो काफी बड़ा डिफरेंस इन दोनों के प्लान में मिलता है। जियो फाइबर के जितने भी प्लान है उसमें लगभग आपको 3300 GB से ज्यादा का डेटा मिलेगा और एयर फाइबर के जितने भी प्लान है इन सभी में आपको 1000 GB का ही डेटा मिलने वाला है। एयर फाइबर के 599 के अंदर आपको 14 OTT भी मिलने वाली है, आपको 30 MBPS भी मिलेगा और 550,000 TV चैनल भी मिलेंगे, तो ये काफी बढ़िया हो जाता है जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग भी आती है। नेक्स्ट प्लान 899 का होने वाला है। इसमें 100 MBPS आएगा, बाकी सब सेम मिलने वाला है जैसे कि 14 OTT हो गया, 550,000 TV चैनल हो गए, बट ये जितने भी रिचार्ज है एयर फाइबर के इसमें सिर्फ आपको 2 ही प्लान मिलते हैं जो कि वैलिडिटी के होने वाले हैं, 6 मंथ या फिर 12 मंथ। तो अब जितने भी रिचार्ज कराओगे आपको पूरे 6 मंथ का बंडल या फिर 12 मंथ तक करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लान 1199 का होने वाला है। इसमें आपको 100 MBPS डेटा मिलेगा, 16 OTT मिलने वाले हैं, 550,000 TV चैनल होने वाले हैं। एयर फाइबर के और भी काफी सारे प्लान आते हैं जो कि आपके सामने हैं। इसका भी लास्ट प्लान 4000 का होने वाला है, 1 GBPS इसमें भी आएगा और ये आपको फिर से 550 TV चैनल के साथ मिलेगा और 16 OTT का सपोर्ट मिलने वाला है। इसमें प्रीमियम OTT होने वाले हैं। ये थे इन दोनों के प्लान। आपको 18% का GST अलग से ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इन दोनों का फाइनल प्राइस देखने को मिलेगा। एयर फाइबर को आपको 6 मंथ या फिर 12 मंथ तक करवाना पड़ेगा, यानी कि एक साथ ही 1000 रुपए भरने पड़ेंगे। अभी जानते हैं दोनों की प्रॉब्लम्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं जियो फाइबर के बारे में। तो ये पोर्टेबल नहीं होने वाला है। इसमें जो चार्जेस हैं टीवी के अलग होने वाले हैं, बाकी सब के अलग होने वाले हैं और पोस्टपेड बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है। इसके साथ अगर आप प्रीपेड के साथ जाओगे तो आपको थोड़े बहुत ये महंगे भी पड़ते हैं। एयर फाइबर की समस्या की बात करें तो ये पोर्टेबल होना चाहिए था, बट ये पोर्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें आपको आउटडोर यूनिट भी मिलने वाली है जिसे पोर्टेबल नहीं रहता है। इसी के साथ ये जो इंटरनेट है ये 5G के नेटवर्क के ऊपर काम करता है, यानी कि कई बार ऐसा हो सकता है कि 5G के टावर कम हो जाए तो इसकी स्पीड घट बढ़ सकती है, तो ये समस्या इसके अंदर बनी रह सकती है। इसमें आपको सिंगल मंथ का रिचार्ज नहीं मिलता है, आपको कंप्लीट रिचार्ज करना पड़ेगा जो कि 6 मंथ और 12 मंथ का होने वाला है, यानी कि एक ही बार में आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। दूसरा, इसके अंदर आपको 1000 GB ही डेटा मिलता है
बट जो जियो फाइबर है उसमें 3300 GB का डेटा आता है। अभी जानते हैं इन दोनों के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले जानेंगे जियो फाइबर के बेनिफिट के बारे में। अगर हम इसकी बात करें तो जियो फाइबर की जो स्पीड है वो काफी कमाल की होने वाली है। डाउनलोड और अपलोड दोनों की स्पीड काफी बढ़िया होती है, ये घटती नहीं है बल्कि ज्यादा ही मिलती है। इसके जो प्लान है वो काफी चीप से ही स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें एक लाइट प्लान भी आता है और पोस्टपेड के अलग होने वाले हैं, तो काफी ऑप्शन हो जाते हैं। जियो फाइबर में आप अपनी मर्जी के अनुसार रिचार्ज करवा सकते हो, जो कि 1 मंथ से लेकर आप पूरे 12 मंथ तक का भी करवा सकते हो और इसमें 3300 GB का डेटा आएगा। एयर फाइबर की बेनिफिट में जाने तो ये जितने भी रिचार्ज है सभी के साथ OTT आने वाले हैं, टीवी चैनल भी आने वाले हैं और इंटरनेट भी होने वाला है, तो सस्ते में आपको सब कुछ मिलने वाला है जो कि आपका मनी सेविंग पैक हो जाता है। बट स्पीड थोड़ी घटती बढ़ती रह सकती है। एयर फाइबर का यूज आपके लिए तब हो सकता है अगर आपका जो 5G नेटवर्क है आपके एरिया में वो काफी अच्छे से काम कर रहा हो, या फिर आप कोई रिमोट एरिया के अंदर रह रहे हो जहां पर फाइबर नहीं पहुंच सकता है, या फिर आप कई बार OTT का भी करवाते हो, टीवी चैनल भी कराते हैं और आपको सब कुछ एक ही जगह के ऊपर चाहिए, तो भी आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। बट आपको 6 मंथ और 12 मंथ का पूरा कंप्लीट करवाना पड़ेगा। लास्ट में वर्डिक्ट को देखें तो अगर आपके एरिया के अंदर जियो फाइबर अवेलेबल नहीं है तो आप जियो एयर फाइबर के साथ भी जा सकते हैं, या फिर जो इसके साथ आपको टीवी चैनल मिल रहे हैं, OTT मिल रहे हैं, वो आपको पसंद आ गए हैं, आपको एडिशनल रुपए नहीं भरने हैं, आपको मनी सेविंग करनी है, तो भी आप इसके साथ जा सकते हैं। अगर आपके एरिया के अंदर 5G अच्छे से काम करता है तो भी आप इसके साथ जा सकते हैं, बट स्पीड जो है वो घटती बढ़ती रह सकती है। बट अगर आपको अच्छे से इंटरनेट यूज करना है, आपका कोई हैवी यूज है और आपको सिर्फ इंटरनेट का ही काम है, इसके साथ आप ये एरिया के अंदर अवेलेबल है, आपको थोड़े ज्यादा रुपए भरने में कोई समस्या नहीं है, तो जियो फाइबर ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि इंटरनेट के लिए आपको फाइबर ही बढ़िया मिलेगा। ये था जियो एयर फाइबर और फाइबर 2024 में। कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।